सीतापुर के मोहरनिया गांव में मंगलवार को खसरा और रुबेला के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया गया। टीके लगने के बाद लगभग 2 दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं बच्चों के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। जी, जसप्रीत कौर जो है मोहरनिया गाँव में स्कूल है, वहाँ पढ़ती है। सुबह हमें 10 बजे फोन आया मास्टर साहब का कि बच्चे को टीके लग रहे हैं, तो आप टीका लगवा लीजिए। और हम लोग बच्ची को वहाँ भेजा भैया के साथ में। टीका लगने के 10 से 15 मिनट बाद ये 2 बच्चियाँ एकदम से बेहोश हो गई। और जब तक इनको हम लोग मोहली लेके आए और मोहली से डॉक्टर लोगों ने कुछ ध्यान ना देते हुए हम लोगों को सीतापुर भेज दिया, तब तक जो है 8-10 बच्चे वहाँ पीछे और बेहोश पड़े हुए हैं, उनको भी मोहली या सीतापुर ला रहे हैं ये लोग। मैंने जब मुझे खबर लगी तो मैंने अपनी टीम वहाँ पर भेजी, तो मैं खुद भी देखने गया तो पता चला कि बच्चों को इंजेक्शन लगने के 2 घंटे के बाद, क्योंकि सामान्यतः इंजेक्शन के प्रभाव से नहीं होता है, कुछ बच्चों को चक्कर, उल्टी, घबराहट जैसी शिकायत हुई, तो 2-3 बच्चों को मोहली जिला चिकित्सालय भेजे, वहाँ CSC भेज दिया गया था। उसके बाद देखा देखी कुछ और बच्चे भी घबराहट में आ गए, तो सुरक्षा की वजह से कि बच्चों के परिवार में इस तरह की कुछ वो ना हो, तो लगभग 15-16 बच्चे जिला अस्पताल मोहली में और 3 बच्चे जो है जिला चिकित्सालय में रहे।